हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ओके, यहाँ पे देखो मैं आपको फिगर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, वैसे तो आपको फिगर नहीं बनाना है, ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या दिया है हमको कि दो ट्राइंगल्स है और वो दो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। ओके, ये गिवन है हमको। और हमको क्या दिया है, ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है और वो कितना दिया है, 3:5। ओके, समझ में आया। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो। यस, हमको ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो ये जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, इसमें सिर्फ एक थियोरम यूज होने वाला है और वो थियोरम है थियोरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो हमने किया है। अगर आपको वो थ्योरम आता है तो आप सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस सेट 1.4 के वो कर सकते हो। ओके, तो वो थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, अगर दो ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करेंगे। अगर अभी तक आपको नहीं समझा कोई बात नहीं, हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लेट लेना पड़ेगा। क्या लेट लेना पड़ेगा कि ये दोनों जो सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम लोग ले लेते हैं S1 एंड S2 और इनके एरियाज जो है उसको हम लोग ले लेते हैं A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लेट लिया है, देखो, लेट द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स बी S1 एंड S2 एंड देयर एरियाज बी A1 एंड A2। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। देयरफॉर वी हैव, हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है S1/S2 है और वो क्या है, 3/5 है, बरोबर है ना। हमने क्या लिया है, ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो हमने लिए है S1 एंड S2 और हमको क्या दिया है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, S1/S2 इज इक्वल टू 3:5। ओके, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये जो थ्योरम है वो हमको क्या बोलता है कि वो दो जो सिमिलर ट्राइंगल्स है उसके एरिया का जो रेशियो होगा, तो यहाँ पे हमने एरियाज क्या लिया है, ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज है A1 एंड A2। तो ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये है हमारा वो थ्योरम। ठीक है, समझ में आया ये कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ व्हाट, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, आपको पता है ना क्या फाइंड करना है हमको, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड A1/A2। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे S1/S2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोग दैट इज इक्वल टू, हमारे पास ये रेशियो है एंड वो क्या है, 3/5, दैट इज 3/5 का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, दैट इज 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25। यानी कि यहाँ पे हमको देखो क्या मिला, A1/A2 जो है वो मिला हमको 9/25। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 9:25। तो ये है हमारा आंसर। समझ में आया? बस अभी हमको लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखना है, हमको ये लिखना पड़ेगा क्या, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 9:25। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है ना। बस आपको ये थ्योरम जो है ना वो आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो इसी थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो और साथ साथ में हम सेकेंड थर्ड वन भी कर देते, बहुत ही ईजी है। तो सेकेंड वन देखो क्या है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर एंड एबी इज टू पीक्यू इज इक्वल टू 2:3 देन फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, दो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनके एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको दिया है, दैट इज 2:3। कुछ ऐसा ही है ना। यहाँ पे भी दो ट्राइंगल सिमिलर थे, उनके एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया था, है ना। वही यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, ये एक्टिविटी के फॉर्म में है तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, विच थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, तो यहाँ पे एक साइड का स्क्वायर तो लिख दिया है, हमको दूसरे साइड का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर PQ का स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आया? बस अभी क्या दिया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, इनके वैल्यूज पुट कर लिए। दैट इज यहाँ पे देखो, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो दिया है 2:3। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यस 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू 4:9। बस हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स करना था, दैट इज वेरी सिंपल। अब ये भी सेम वही है, ठीक है, थोड़ा अलग है बट सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो थर्ड वन क्या है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, और हमको क्या दिया है, ये जो ट्राइंगल एबीसी है ना उसका एरिया दिया है, कितना दिया है, 80। ओके, क्या दिया है, 80। यानी कि यहाँ पे देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 125। ओके, हमको ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज दिए हैं, हमको क्या करना है, देन फिलिंग द ब्लैंक्स। हमको ये यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है, ये भी इजी है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या किया इन लोगों ने, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो लिया है, ठीक है, रेशियो लिया है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80/125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल PQR आएगा ना, सिंपल है ये तो, ट्राइंगल PQR। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो जो होगा दैट इज इक्वल टू 80/125। ठीक है, और हमको क्या फाइंड करना है, ये दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना है। समझ रहे हो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इन लोग ने बॉक्स डाल के छोड़ दिया है, बट यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो दिस इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्या करने वाली हूँ, अभी इसको रफ करने वाली हूँ, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है, ये जो दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, दैट इज ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और इनके एरियाज जो है वो हमारे पास है। ठीक है, तो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो हमको क्या पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू थियोरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। यानी कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। है ना। तो हम कौन से करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, जो हमारे जो हमको फाइंड करने हैं, दैट इज ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, समझा ये थियोरम। यहाँ पे हम लोग रीजन के लिए लिखेंगे जो हमने थियोरम यूज किया है, दैट इज थियोरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, समझ में आया इतना? ठीक है, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, और देखो यहाँ पे अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकाला तो वो हमको मिलेगा 80/125, यानी कि हम इसके नीचे लिख सकते हैं 80/125, दिस इज गिवन। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दैट इज AB/PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो ये दोनों जो नंबर है ना, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये दोनों नंबर कौन से टेबल में जाएंगे, 5 के टेबल में, बरोबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 2 10, 2 बचेगा, 5 5 25। ओके, यहाँ पे क्या होगा, देखो 5 1 5, 3 बचेगा, 5 6 30, यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, 16/25 इज इक्वल टू AB/PQ का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करना है, देखो हमको क्या फाइंड करना है, AB/PQ फाइंड करना है। तो अभी हमको क्या करना है, ये स्क्वायर को हटाना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दैट इज यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB/PQ का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसर, और यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, AB/PQ बचा। यानी कि देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AB/PQ जो होगा, दैट इज इक्वल टू 4/5, एंड दिस इज आवर आंसर। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4/5। बस हमने ब्लैंक स्पेस को फिल कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोग के मन में ये आया होगा कि क्या हमको ये इतना करके दिखाना पड़ेगा। तो यस, अगर आप अगर आपने दिखाया तो अच्छी बात है ना। तो क्या करो एग्जाम में, अब देखो हमको सिर्फ इतना ब्लैंक स्पेस फिल करना था, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्विंग पार्ट भी है इसका। तो अगर आप एग्जाम में ये दिखा दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, दिखा दो, बहुत ही सिंपल है, कुछ खास हमने नहीं किया है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो मतलब इनके एरियाज का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। जो गिवन था वो लिख दिया और थोड़ा बहुत सॉल्व किया, और हमको ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया, दैट इज 4:5। तो बस आपको ये थियोरम पता होना चाहिए बस। तो चलो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे के सम्स करते हैं। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 4th 1। ट्राइंगल एलिमेंट इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, और हमको दिया है QR दिया है 20, एंड हमको फाइंड करना है MN। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया है, ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है, ऐसा हमको दिया है। ठीक है, और बाद में हमको ये दिया है, और हमको फिर क्या दिया है, QR दिया है, और हमको MN फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस वही थियोरम हमको यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये चीज हमको दी है, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, दैट इज हमारे पास है 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो एरिया है उसको एक तरफ करते हैं, और जो नंबर है उसको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 9 तो यहाँ पर है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ये 16 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही इक्वल टू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN जो है वो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ही रहने दो। ये मल्टीप्लाई में है एरिया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, देयरफॉर हम बोलेंगे, देयरफॉर वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू 9/16 और ये हमको मिला है। कहाँ से मिला है? यहाँ से मिला है। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया और हमको क्या मिल गया? ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो मिल गया। ठीक है, समझ में आया? देखो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन में क्या क्या है? हमारे पास एक तो ये है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, बहुत अच्छी बात है, तभी जाके हम वो थियोरम यूज कर सकते हैं। कौन सा थियोरम? थियोरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल वाला। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये हमारे पास है। हमारे पास ये है कि ये दोनों ट्राइंगल का एरियाज का रेशियो है। हमारे पास QR है, हमको MN फाइंड करना है, तो ये तो अब इजी है। हम क्या करेंगे? वो थियोरम यूज करेंगे। नाउ हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी ऐसे, ट्राइंगल LMN is similar to triangle PQR, this is given। तो हम बोल सकते हैं बाय थ्योरम कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। अब हम कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड ले? तो यहाँ पे देखो, ये जो QR देख रहे हो और ये जो MN देख रहे हो, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स ही है ना। यहाँ पे देखो MN यहाँ पे है और QR देखो नीचे है, यानी कि ये जो MN साइड है, इस ट्राइंगल की साइड जो MN है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? QR है, यानी कि हम ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड को ही लेंगे। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब हमको करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी है? MN और QR, क्योंकि वही यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा MN और यहाँ पे नीचे आएगा QR। समझ में आया? ठीक है, अभी हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है? ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो है दैट इज 9/16, तो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग 9/16 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो MN तो हमको फाइंड करना है तो MN का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। QR कितना है? 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 9/16 इज इक्वल्स टू MN का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 400। ओके, अब हम ये इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 9/16 इंटू 400 इज इक्वल्स टू MN का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, दैट इज यहाँ पे आएगा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 0 जा 4 0 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20। ओके, दैट इज अभी यहाँ पे क्या आएगा? 9 इंटू 25 बच गया, यानी कि यहाँ पे होगा 9 इंटू 25 इज इक्वल्स टू MN का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 इंटू 25 करना पड़ेगा, दैट इज 9 5 जा होगा 45, 9 2 जा 18, 19 20 21 22, यानी कि 225 इज इक्वल्स टू MN का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मिला। हमको क्या चाहिए? MN चाहिए, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो आपको पता ही है क्या करना है, यस, स्क्वायर रूट लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ लेना पड़ेगा। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ MN का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज व्हाट? यस, 15, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 15 इज इक्वल टू MN। ओके, आई होप आपको ये दिख रहा होगा नीचे का। तो बस ये है हमारा आंसर बोल रही थी मैं, आंसर। ठीक है, MN इज इक्वल टू 15, MN इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो चलो बस इसको नोट डाउन कर लो और मैं एक बार देख लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 5th वन। क्या दिया देखो, एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर है और उनके एरियाज हमको दिए हैं। ठीक है, समझा? ओके, अब आगे देखो क्या दिया है, इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। यानी कि दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर है, इतना सबसे पहले बोला था। और उसमें दो ट्राइंगल में भी क्या है? एक ट्राइंगल बिगर है और एक ट्राइंगल स्मॉलर है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये है हमारा बिगर ट्राइंगल। ठीक है, आपको फिगर नहीं बनाना है, टेंशन मत लो, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो ये हमारा बिगर ट्राइंगल है और ये है हमारा स्मॉलर ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, ऐसा गिवन है, और इनके एरियाज हमको दिए हैं। तो ये जो एरिया होगा वो किसका होगा, ऑब्वियसली बिगर ट्राइंगल का होगा। तो ये जो बिगर ट्राइंगल है उसका एरिया दिया है हमको 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको क्या दिया है कि जो स्मॉलर ट्राइंगल है ना उसके एक साइड का लेंथ दिया है एंड दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो सपोज करो कि ये हमारा स्मॉलर ट्राइंगल है और इसके ये साइड का लेंथ हमको दिया है, ठीक है, और कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, यानी कि ये जो साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल जो है उसका हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। दैट इज ये जो साइड है इसका लेंथ हमको फाइंड करना है। समझ में आया क्या क्या दिया है हमारे पास? ओके, कैसे फाइंड करेंगे? अगेन सेम वही चीज, क्या करेंगे हम, वो थ्योरम यूज करेंगे। बस हमको यहाँ पे लेट लेना पड़ेगा। क्या लेट लेंगे? लेट लेंगे हम लोग। लेट सबसे पहले क्या लेते हैं, एरियाज ले लेते हैं। ठीक है, लेट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स लिख दो। ठीक है, लेट एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स बी A1 एंड A2, और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स बी S1 एंड S2। ठीक है, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लिखने वाले हैं, वो क्या है कि अब देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो A1 है वो क्या है, हमारा एरिया है बिगर ट्राइंगल का। ठीक है, A1 हमारे बिगर ट्राइंगल का एरिया है और A2 क्या है, हमारे स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि S1 किसकी साइड होगी, S1 हमारे बिगर ट्राइंगल की साइड होगी, और S2 किसकी साइड होगी, स्मॉलर ट्राइंगल की साइड होगी। ठीक है, ये अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। तो A1 हमारे पास है ना, बिगर ट्राइंगल का एरिया है, कितना है, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, और क्या क्या है हमारे पास, A2 है, राइट। A2 मीन्स व्हाट, स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया, और वो कितना है, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, बरोबर लिख रही हूँ ना, हाँ। और हमारे पास S1 है कि S2 है, बताओ? यस, वेरी गुड, हमारे पास S2 है ना। हमारे पास क्या है, स्मॉलर ट्राइंगल की जो साइड है ना उसका लेंथ है, दैट इज हमारे पास S2 है। गलती से S1 मत लिख देना वरना रॉन्ग हो जाएगा पूरा सब। ठीक है, तो हमारे पास S2 है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, और हमको S1 क्या करना है, फाइंड करना है। समझ में आया इतना? ठीक है, अभी आगे का प्रोसेस बहुत इजी है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम क्या बोलेंगे, वो जो थ्योरम है वो क्या बोलता है कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, बस यहाँ पे हमको रीजन लिखना पड़ेगा। ओके, बस अभी यहाँ पे हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वैल्यूज को हम पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ ताकि हमारे लिए अच्छा हो। A1 क्या है हमारे पास, 225, और A2 कितना है, A2 है 81। ठीक है, दैट इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर, S1 नहीं है ना हमारे पास, वही तो हमको फाइंड करना है, और S2 कितना है, 12, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। यहाँ पे हम इसको अलग वे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे अलग वे से सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये 225 ऐसे ही रहने दो, इक्वल अपॉन 81। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, S1 अपॉन 12 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर है उसको हमने होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हमको ये स्क्वायर को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इससे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ S1 अपॉन 12 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज व्हाट, यस 9. तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, S1/2L. देखो अभी बहुत ही सिंपल है, अभी आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे, ये 2L को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, दैट इज 15/9 × 2L इज इक्वल्स टू S1. ये डिवाइड में है ना, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो मल्टीप्लाई हो गया. अब 3 3s are 9, 3 4s are 12, ओके, 3 1s are 3, 3 5s are 15, दैट इज 5 × 4 क्या होगा, 20 इज इक्वल टू S1. यानी कि जो हमारा बिगर ट्राइंगल है उसकी जो ये साइड है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो साइड है बिगर ट्राइंगल में, उसका जो लेंथ है वो हमको मिल गया है 20 सेंटीमीटर. यस, यहाँ पे हमको सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा, देयरफॉर हम बोलेंगे S1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. और लास्ट में हम लोग लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये समझ में आया ना कैसे किया हमने, बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से बता देती हूँ. यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, एक ही बार हमने स्क्वायर लिख दिया. फिर हम क्या बोलेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट अच्छे से सॉल्व हो गया. फिर यहाँ पे ये मिला था हमको, ये 12 को यहाँ पे शिफ्ट किया, बस इजी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th वन. चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं 6th वन. तो चलो अभी हम लोग देखते हैं 6th वन. तो क्या दिया है, देखो, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. यानी कि यहाँ पे कुछ अलग है, क्या दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है. ओके, और हमको क्या दिया है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2. यानी कि हमको क्या दिया है, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो दिया है, दैट इज 1:2. ओके, और क्या दिया है हमको, ये जो ट्राइंगल है उसकी एक साइड का लेंथ दिया है, दैट इज 4, यानी कि AB जो है वो है 4. और यहाँ पे देखो ये जो DE है, और DE क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड है. देखो AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE, तो हमको क्या करना है, DE फाइन करना है. कैसे फाइन करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम वो थियोरम यूज करके DE फाइन कर लेंगे, कौन सा थियोरम जो अब तक हम यूज कर रहे थे, दैट इज थियोरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो वो हम अब डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ऐसा नहीं दिया है. अगर वो सिमिलर होते तो डायरेक्टली हम फटाक से यूज कर लेते और हमको DE मिल जाता, लेकिन यहाँ पे सिमिलर नहीं है ये दोनों ट्राइंगल, है ना, तो हम वो थियोरम यूज नहीं कर सकते. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर तो दिखा सकते हैं ना. यस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, उसके बाद वो थियोरम हम बिंदास यूज कर सकते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, वेरी इजी. क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनका जो मेजर होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा. यस, बरोबर, पता ही आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर व्हाट, आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड दैट इज इक्वल टू एंगल C and that is equal to angle D, that is equal to E, that is equal to angle F. यानी कि ये ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, ओके, और ये ट्राइंगल के तीनों एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे. यानी कि ये जो हमारे दोनों ट्राइंगल है उसके सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि उनका जो मेजर होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा. क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के एंगल का मेजर होता है 60 डिग्री. और यहाँ पे हम लोग रीजन के लिए क्या लिखेंगे, रीजन के लिए हम लोग लिखेंगे एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आर ऑफ मेजर 60 डिग्री. ठीक है, समझ में आ गया, ओके. तो अब देखो हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कैसे दिखाते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। तो देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल के कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी अगर इक्वल हो जाते हैं ना तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, वैसे ही एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई। ओके, और रीजन के लिए लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो कॉन्ग्रेंट ही है ना, एंगल ए जो है वो एंगल डी के कॉन्ग्रेंट है और एंगल बी जो है वो एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है। अगर आपको एक और एक एंगल लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन बस दो करस्पॉन्डिंग एंगल इज इनफ। ओके, तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो हम बस बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। ठीक है, तो अभी रीजन के लिए लिखेंगे हम लोग ईच 60 डिग्री। तो देयरफॉर हम लोग बोल देंगे ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ एंड रीजन तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, दैट इज एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। चलो डन। ओके, अभी बस हमने ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया है, तो अब तो हमारे लिए इजी है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ यहाँ पे। तो अब हम क्या बोल सकते हैं वो थ्योरम से, तो यहाँ पे हम थ्योरम लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये थ्योरम हमको क्या बोलता है कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो होगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है अपना DEF, okay, that is equal to what? That is equal to ratio of square of their corresponding side. तो हम कौन से corresponding side को लेंगे? तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग देखोगे तो ये AB और DE जो है वो corresponding sides ही है ना? तो यहाँ पे आएगा AB ऊपर आएगा और DE नीचे आएगा। बस अभी यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो हमको दिया है, ये देखो ये रेशियो हमारे पास है, दैट इज 1:2। तो यहाँ पे आएगा 1:2 इसके नीचे। ठीक है, ये गिवन है, इज इक्वल्स टू ए बी क्या है देखो 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर अपॉन डीई फाइन करना है, तो डीई का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डीई का स्क्वायर है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज 1 × DE का स्क्वायर क्या होगा, DE का स्क्वायर ही होगा, इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होगा 16, और ये जो हमारा 2 यहाँ पे है डिवाइड में, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो फिर से एक बार बताती हूँ, ये DE का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो 1 × DE का स्क्वायर क्या होगा, DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे शिफ्ट हो गया मल्टीप्लाई में, दैट इज हम बोल सकते हैं DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 × 2 क्या होगा 32, राइट, यस 32। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ ये स्क्वायर को हटाना है, तो हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब देखो मुझको यहाँ पे जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मिला है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, यस ये स्क्वायर को हटाना है, तो हम बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दैट इज यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 32, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज DE इज इक्वल टू √32 क्या होगा, √32 होगा हमारा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 32 जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज 16 × 2 भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया होता ना तो भी चलता, लेकिन कर लिया ना कोई बात नहीं। तो ये देखो एक मिनट पहले स्क्वायर रूट लगा देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे देखो ये 32 के जगह पे हम 16 × 2 भी लिख सकते हैं ना, है ना, क्योंकि 16 × 2 क्या होगा 32 ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये DE इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर रूट है वो 16 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर रूट है वो 2 को भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √16 इज इक्वल टू 4 और √2 तो √2 ही रहेगा, दैट इज हमको DE क्या मिला 4√2 मिला। तो दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे हमको कुछ सेंटीमीटर वगैरह लगाना नहीं है, यानी कि लिखना नहीं है तो मत लिखना। तो यानी कि हम बोल देंगे दैट इज वी विल से DE इज इक्वल टू 4√2, दिस इज आवर आंसर। चलो ये भी हो गया, बस अभी लास्ट वन हम लोग करने वाले हैं, 7th वन। तो चलो अभी हम लोग करते हैं सेवेंथ वन, और सेवेंथ वन जो है वो एक्टिविटी के फॉर्म में है और बहुत ही इजी एक्टिविटी है। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। इन फिगर सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डी ई, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट पी क्यू है और ये जो सेगमेंट डी ई है ये दोनों क्या है, सेगमेंट पैरेलल है। ठीक है, और क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF जो है, ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो दिया है कितना, 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और क्या दिया है हमको, PF इज 2 टाइम्स ऑफ DP, यानी कि ये जो PF है, ये जो PF है वो क्या है, DP का 2 टाइम्स है। ओके, DP का 2 टाइम्स है। ओके, देन हमको क्या बोला है, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड करना है। ओके, फिगर में देखो वो क्वाड्रिलेटरल कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना DPQE, ये क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो ये एक्टिविटी को देखो मत, बस आप ये फिगर को देख के दिमाग लगाओ कि हम ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। वेरी सिंपल, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहे हो, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ये जो बड़े ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें से हम क्या करेंगे, ये छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे ना, तो हमको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। समझा मैंने क्या बोला। देखो हमको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो बड़े ट्राइंगल का जो एरिया है, बड़े ट्राइंगल का जो एरिया है उसमें से हम ये छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और हमको हमारे ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये छोटे ट्राइंगल का एरिया है ना, कितना है, 20 स्क्वायर यूनिट। लेकिन हमारे पास ये जो बड़ा ट्राइंगल है, बड़ा ट्राइंगल मतलब कौन सा, DEF, उसका एरिया नहीं है। तो एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा ये बड़ा ट्राइंगल है उसका एरिया हम फाइंड करेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ओके, दैट इज DEF मतलब F, DE बोलो या DEF बोलो, ट्राइंगल तो वही है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो है वही हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये बड़ा ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया। ओके, ऐसे हमारा पूरा ये एक्टिविटी चलने वाला है। समझ में आया क्या करना है, समझ में आया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है, तो बस वो आप लगा दो, क्योंकि एरियाज जो होते हैं वो स्क्वायर यूनिट्स में होते हैं। ठीक है, तो चलो, और यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं लिखा है टेक्स्ट बुक में, तो बस उसको आप लगा दो। ठीक है, जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है उसमें तो नहीं लिखा है, अगर आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी फिर से यही जो गिवन है वही लिखा है। एक्टिविटी है तो एक्टिविटी तो बहुत इजी होती है, टेंशन मत लो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF जो है वो है हमारे पास 20 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये गिवन है। और क्या है हमारे पास कि ये जो PF है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ DP। ओके, यहाँ पे इन लोग ने क्या किया है, लेट अज्यूम किया है कि ये जो DP है वो x हो जाएगा, यानी कि ये जो DP है उसको इन लोग x ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा PF है वो क्या हो जाएगा, PF इज इक्वल टू 2 into x, है ना, DP के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x, यानी कि PF हो जाएगा 2 into x। समझ में आया, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, अभी हमको क्या बोला है, यहाँ पे देखो क्या है, DF इज इक्वल टू DP प्लस बॉक्स। यहाँ पे क्या आएगा, तो जरा फिगर में देखते हैं। DF जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, DP प्लस क्या होगा, PF। ओके, यानी कि यहाँ पे आएगा PF। ठीक है, समझ में आया। ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो DP जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। DP क्या लिया है यहाँ पे, x ना, तो यहाँ पे आएगा x प्लस PF क्या है, PF है हमारे पास 2x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। दैट इज x प्लस 2x क्या होगा, 3x। ठीक है, समझा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, DF मिला है 3x। देखो मैं यहाँ पे फिगर से भी समझा देती हूँ। सबसे पहले DP लिया कितना, DP लिया x, ओके, लेट लिया देखो, ओके, और उसकी वजह से जो हमारा PF हुआ वो क्या हुआ, 2x हो गया, क्योंकि PF जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ DP है। तो DP x है तो PF क्या हो जाएगा, 2 into x। तो इसका मतलब हमारा जो ये पूरा d से लगा के f हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा x प्लस 2x दैट इज 3x। ठीक है, तो अब तक हमने यही किया है। चलो अब क्या दिया है यहाँ पे, इन ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू, यानी कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स लिए हैं, और वो दो ट्राइंगल्स कौन से लिए हैं, एक है हमारा ट्राइंगल एफ डी ई, एफ डी ई मतलब एफ डी ई यानी कि ये बड़ा ट्राइंगल, एंड कौन सा ट्राइंगल लिया है एफ पी क्यू मतलब छोटा ट्राइंगल, यानी कि दो ट्राइंगल्स लिए हैं, कौन सा ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल डैश करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बता, यानी कि बेसिकली इन लोग क्या कर रहे हैं कि वो दो ट्राइंगल जो है ना उसको सिमिलर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है एंगल एफ डी ई, एंगल एफ डी ई जो होगा यानी कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, तो वो कॉन्ग्रेंट होगा इसके। कैसे, तो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे गिवन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गिवन है यहाँ पे, और ये क्या दिया है कि सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट डी ई क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है, और ये जो हमारा डी पी है या वी कैन से डी एफ जो है ये हमारा ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे एंगल एफ डी ई इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, बताओ आप ही बताओ क्या आएगा यहाँ पे, यस एफ पी क्यू। ओके, यहाँ पे आएगा एफ पी क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट अगेन एंगल एफ ई डी यानी कि ये एंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगा, इसके कॉन्ग्रेंट होगा। कैसे, अगेन वही चीज, यहाँ पे हमारी ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन मैं बताती हूँ, ये दोनों सेगमेंट पैरेलल है, ओके, और ये हमारा ट्रांसवर्सल होगा, ये हमारा ट्रांसवर्सल होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, तो यानी कि हम बोल सकते हैं एफ ई डी जो होगा दैट इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल व्हाट, एफ क्यू पी। ओके, यहाँ पे आएगा एफ क्यू पी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि हमको ये दोनों ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट मिल चुके हैं, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है सब, ठीक है, हमको कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अभी क्या किया इन लोग ने, क्योंकि अभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर मिल चुके हैं, तो इन्होंने ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो लिया। ओके, और हमको क्या पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, बताओ, यस दैट इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। लेकिन अब हम कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड ले, तो जिसका जिक्र हो रहा है वो करस्पॉन्डिंग साइड ले। ओके, जैसे देखो ये हमारा बड़ा ट्राइंगल है ना, एफ डी ई मतलब क्या, एफ डी ई मतलब बड़ा ट्राइंगल, तो बड़े ट्राइंगल में कौन से साइड का जिक्र हो रहा है, ये वाली साइड, देखो डी एफ है ना, डी एफ हमारे पास है भी, यहाँ पे देखो डी एफ हमारे पास क्या है, 3x भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी एफ आएगा, और डी एफ की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, पी एफ होगी। ओके, तो यहाँ पे आएगा पी एफ। छोटे ट्राइंगल में कौन से साइड का जिक्र हो रहा है, पी एफ। ओके, तो ये डी एफ और ये पी एफ क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड। ओके, अभी बस यहाँ पे देखो वैल्यूज को पुट किया है, डी एफ जो है वो है 3x, तो यहाँ पे आ गया 3x का स्क्वायर, पी एफ जो है वो है 2x, तो यहाँ पे आ गया 2x का स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो हमको 9/4 मिलेगा। कैसे 9/4 मिलेगा, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ये होगा 9x का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे देखो ये जो स्क्वायर है वो 3 को भी मिलेगा और ये जो स्क्वायर है वो x को भी मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर है जो 2 को भी मिलेगा और x को भी मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो गया कैंसिल, दैट इज यहाँ पे आ गया 9/4। ठीक है, समझ में आया कैसे आया, ओके, तो यानी कि हमको क्या मिला, ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो मिल गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास अब क्या किया है, देखो मैं बता देती हूँ, ये दोनों रेशियो को इन लोग ने सिंप्लीफाई किया है। ओके, ये दोनों रेशियो जो है इनको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 है, इज 9/4, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आया? ये दोनों रेशियो को सिर्फ देखो, ये दोनों रेशियो को सिर्फ देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखाऊं क्या आपको, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक मिनट में देख लेती हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। ओके चलो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, तो दैट इज इक्वल टू हमको क्या मिला, 9/4 मिला, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हमको क्या करना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था क्या करना है, हमको ये बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है ना। ये ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास कितना है, 20 स्क्वायर यूनिट। बस हमको बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पे देखो, ये बड़ा ट्राइंगल है हमारा और ये छोटा ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 इनटू ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, ठीक है। समझा? तो बस यही यहाँ पे लिखा है, बस अभी वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, दैट इज इक्वल टू 9/4 इनटू ये एरिया क्या है हमारे पास, ये छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना है 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 4 1 4, 4 5 20, दैट इज 9 × 5 क्या होगा 45, यानी कि हमको बड़े ट्राइंगल का एरिया मिल गया है एंड वो है 45 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। समझ गया? ये आपको नहीं लिखना है, बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था, ठीक है। चलो अभी हमको ये क्वाड्रिलेटरल जो है उसका एरिया फाइंड करना है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू, यानी कि बड़े ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया। तो बड़े ट्राइंगल का एरिया हमको मिल गया है 45, तो यहाँ पे 45 माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी था, दैट इज 20, तो 45 माइनस 20 करेंगे तो मिलेगा हमको 25, यानी कि हमको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल चुका है, दैट इज 25 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया क्या किया? देखो फिर से बता देती हूँ, आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमको कैसे मिलेगा, जब हम ये बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, बड़े ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया करेंगे। तो छोटे ट्राइंगल का एरिया तो है, बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो बड़े ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को, जो बड़ा ट्राइंगल है और जो छोटा ट्राइंगल है उसको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तो वही सिमिलर दिखाया है। ओके बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को सिमिलर दिखाया है, और फिर वो थ्योरम यूज किया, कौन सा थ्योरम, कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा, दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, और यहाँ पे थोड़े करस्पॉन्डिंग साइड भी है हमारे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसको भी हमको कुछ ऐसा लिखना है, मतलब कि यहाँ पे हमको दिया था कि ये जो हमारा पी एफ है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ डी पी, तो हमने डी पी को x ले लिया, तो वो पी एफ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर, डी एफ क्या हो जाएगा दिस प्लस दिस, दैट इज 3x। ये थोड़ी नॉर्मल चीजें हैं, वो तो कर ही सकते हैं, बस मेन क्या था कि हमको बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना था, वो दिखा दिया, फिर वो थ्योरम यूज किया और उससे हमको क्या मिल गया, बड़े ट्राइंगल का एरिया मिल गया, फिर बड़ा ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया करेंगे तो हमको हमारे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। और ये इसी के साथ हमने हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म कर लिया। एक दो बार इस क्वेश्चन को देख लो, बहुत ही ईजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया 1.4, और अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे, वरना पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं, आप बताओ क्या स्टार्ट करें, प्रॉब्लम सेट करें या पाइथागोरस थ्योरम करें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आपको पता ही है कि क्या करना है, लाइक जरूर कर देना, और लाइक इसलिए कर देना क्योंकि ये हमारा यूट्यूब बाबा है जो उनको समझ में आ जाएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो वो थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इस वीडियो को खुद ही प्रमोट करेंगे, ठीक है। चलो तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।